एवरीबॉडी, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल क्रैक योर एग्जाम में स्वागत है। इन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू द मोस्ट अप टू डेट एंड एसेंशियल ट्यूटोरियल वीडियोस व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक योर डिजायर्ड एग्जाम। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवे एग्जाम आईबीपीएस स्टेट लेवल एग्जाम कैट मैट क्लैट ये सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको ले जाएंगे आपकी मंजिल तक। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक जो है वो है परसेंटेज के ऊपर कन्वर्शन रूल। ये कन्वर्शन रूल क्या होता है? ये कन्वर्शन रूल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है परसेंटेज तथा पूरा एरिथमेटिक का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज एरिथमेटिक का जान होता है। परसेंटेज को अच्छा से सीखना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये परसेंटेज का यूज़ सभी चैप्टरों में होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें परसेंटेज का ये कन्वर्शन रूल का यूज़ होगा। तो दोस्तों ये परसेंटेज की कन्वर्शन रूल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए और इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले दिन में आपको मिलेगा। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये परसेंटेज का कन्वर्शन रूल है क्या। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है परसेंटेज का कन्वर्शन रूल। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज, इसके बीच रिलेशन यानी रिश्ता क्या है। अगर हम आपको बताते हैं कि 1/2 ये क्या है ना, ये एक फ्रैक्शन है, इसको अगर हम परसेंटेज में लेकर जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1/2 × 100। अगर हम 1/2 × 100 करेंगे तो ये हमारा आता है 50%। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो उस फ्रैक्शन के साथ अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, परसेंटेज मिलेगा। जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि 1/3 है तो 1/3 × 100 अगर हम लोग करते हैं तो 100/3, तो 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 33 = 99, रिमाइंडर 1, तो ये 33 1/3%। तो 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%, इसको हम लोग 33.33% भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कोई भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन के साथ 100 इंटू करना पड़ता है, तो वो जाके क्या बनता है ना, वो परसेंटेज बनता है, एफ फॉर फ्रैक्शन। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, कोई भी परसेंटेज को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, फ्रैक्शन यानी एफ। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये अच्छा से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 20%, 20% इज इक्वल टू क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 20/100 विच इज़ 1/5। तो ये 1/5 होता है फ्रैक्शन और ये इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज है 20%। तो ये परसेंटेज से उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोगों को याद रखना और इसको कैसे इसका कन्वर्शन होता है ये सबको जानना पड़ेगा, क्योंकि एरिथमेटिक का सभी चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आने वाले दिन में तो ये परसेंटेज का यूज़ उसमें सभी चैप्टर्स में लगभग होगा। देखिए ये जो एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में कुछ फ्रैक्शंस लिखा है और ये जो फ्रैक्शन लिखा है तो इस फ्रैक्शन को हमको क्या करना है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1/3 1/6 1/7 1/8 1/9, तो ये सभी जो है इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है फंडामेंटल फ्रैक्शन। दीज आर बेसिकली फंडामेंटल फ्रैक्शन। व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फ्रैक्शन, क्योंकि 1/ यानी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है, 1/something इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रैक्शन। जैसे 1/3 है, लेकिन अगर हम लोग ये लिखते हैं कि 2/3, मतलब 2 × 1/3, मतलब 1/3 के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी गुण करके 2/3 आया, तो वो हो जाएगा कंपाउंड फ्रैक्शन। फिलहाल हम लोग देखेंगे जो भी फंडामेंटल फ्रैक्शन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन, इसको अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके क्या मिलेगा
ना तब जाके परसेंटेज मिलेगा। तो ये 1/3 है, तो ये जो 1/3 है हम लोग इस तरफ ग्राफ वर्क कर रहे हैं, तो 1/3 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 × 100, तो ये क्या आता है, ये आता है 100/3। तो 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 33 = 99, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो बेसिकली ये क्या होता है ना, ये 33 1/3 33 1/3%, और जिसको हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33.33%। तो जहाँ 1/3 लिखा है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 33 1/3%, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 33.33%। जैसे कि हाफ यानी 1/2 = आप लोग जानते हैं 50% है, 1/4 1/4 का मतलब आप लोग जानते हैं कि 25% है, 1/5 = 20% आप लोग जानते हैं क्योंकि 1/5 × 100 = होता है 20%। आइए 1/6, अब देखिए 1/6 = क्या होगा, 1/6 के साथ अगर हम 100 को इंटू करते हैं तो ये 100/6 अगर हम 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 16 = 96, रिमाइंडर रहेगा 4, शेषफल 4 रहेगा, तो 16 4/6 यानी आपका होगा 2/3, तो 16 2/3%, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 16.66%। तो जहाँ 1/6 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 16 2/3%, जिसको हम लोग 16.66% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कम टू 1/7, अब ये 1/7 = क्या होगा, देखिए 1/7 को हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 1/7 × 100, तो ये आता है 100/7। तो 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 14 = 98, रिमाइंडर 2, तो 14 2/7%। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%। तो जहाँ पर 1/7 है तो 1/7 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 14 2/7%, एंड विच में ऑल्सो बी रिटन एज 14.28%। कम टू नेक्स्ट 1/8, 1/8 = क्या होता है, 1/8 को अगर हम लोग 100 से इंटू करते हैं तो ये 100/8, तो 8 × 12 = 96, रिमाइंडर 4 रहेगा, तो 12 4/8 यानी 12 1/2%, और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12.5%। तो जहाँ तक 1/8 है तो 1/8 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 12 1/2%, विच इज़ ऑल्सो 12.5%। नाउ कम टू 1/9, तो 1/9 = क्या होता है, तो देखिए 1/9 को अगर हम लोग परसेंटेज में लेकर जाते हैं तो 1/9 × 100, तो 100 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 11 = 99, रिमाइंडर होता है 1, तो 11 1/9%, और 11 1/9 इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.11%। तो 1/9 विच में ऑल्सो बी रिटन एज 11 1/9%, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 11.11%। नाउ कम टू 1/11, तो 1/11 देखिए 1/11 × 100 अगर हम लोग करते हैं तो 100/11, तो 100 को जैसे हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं 9 × 11 = 99, तो शेषफल 1 बचता है, तो 9 1/11%, इसको अगर हम लोग डेसिमल पे लेकर जाते हैं यानी 9.09%। तो जहाँ 1/11 है 1/11, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 1/11%, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9.09%। नेक्स्ट कम टू 1/12, जैसे 1/12 है तो 1/12 को अगर हम लोग 100 से इंटू करते हैं तो ये 100/12, तो 100 को 12 से डिवाइड करने से 8 × 12 = 96, रिमाइंडर रहेगा 4, तो 8 4/12 यानी क्या होगा 1/3, तो इसको हम लोग डेसिमल पे अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो होता है 8.33%। सो 1/12 = 8 1/3%, which can also be written as 8.33%. So hopefully you have understood till here. Now move to the next fraction. इसको मिटाते हैं.
जिसको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए 1/13, अब इसको आपको माइंड पे करना है क्योंकि मैक्सिमम हम लोग इधर लिख लिख कर किए हैं, और जहाँ तक एग्ज़ाम की सवाल है तो एग्ज़ाम में हम लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा, और याद रखना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। जैसे कि 1/13 तो हम लोग जानते हैं ये एक फ्रैक्शन है, और इसको जैसे ही हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हम लोग क्या इंटू करेंगे ना, 100 इंटू करेंगे। तो 1/13 के साथ अगर हम 100 इंटू करते तो क्या होता है, 100/13। तो जैसे भी आप 100 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 × 13 होता है 91, डिविडेंड क्या होता है 9, तो बेसिकली ये क्या होता है 79/13%। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1/13, 1/13 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 1/13 × 100, सो इट विल बी 100/13। तो 7 × 13 होता है 91, रिमाइंडर रहेगा 9, तो 79/13%। तो जहाँ 1/13 है उधर हम लोग लिख सकते हैं 79/13%। अब आइए 1/14, 1/14, तो 1/14 को अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो 1/14 × 100, तो ये 100/14, तो 7 × 14 98, रिमाइंडर 2, तो 7 2/14 यानी 7 1/7%। तो 1/14 जहाँ तक है हम लोग लिख सकते हैं 7 1/7%। और जहाँ तक 7 1/7 का बात है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 7.14%। जहाँ 7 9/13 का बात है हम लोग इसको लिख सकते हैं 7.69%, क्योंकि इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट लेने से 90 होगा, तो 6 × 13 78 कैरी रहेगा 12, तो 9 13 117, तो ये 7.69% अप्रोक्सीमेटली। अगर हम लोग कहते हैं कि 1/15 इसका परसेंटेज क्या होगा, तो 1/15 × 100, 1/15 × 100, तो ये 100/15 होगा। तो 100 को जैसे ही आप 15 से डिवाइड करते हैं तो 6 × 15 होता है 90, तो 6 15/10 यानी 2/3, तो ये 6 2/3% है। इसको हम लोग 6.66% भी लिख सकते हैं। तो जहाँ तक 1/15 का सवाल है, सो वी कैन राइट दैट इट इज 6 2/3% एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 6.66%। नाउ कम टू 1/16। नाउ इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू फ्रैक्शन, तो 1/16 × 100, तो बेसिकली दिस इज 100/16। सो इफ यू डिवाइड 100/16, सो 16 × 6 = 96, कैरी विल बी रिमाइंडर विल बी 4, तो 6 4/16 दैट इज 6 1/4%, एंड 6 1/4% इज इक्वल टू यू नो दैट 6.25%। तो 1/16 के जगह इसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज जो है इस पे आप लोग लिख लीजिए कि 6 1/4%, और इसको हम लोग 6.25% भी लिख सकते हैं। अब आइए 1/17, तो 1/17 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/17 × अगर हम लोग 100 करते हैं तो ये आएगा हमारा 100/17। तो 100 को 17 से जैसे आप डिवाइड करते हैं तो 17 × 5 होता है 85, शेषफल रहता है 15, तो ये 5 15/17%, 5 15/17%, एज यू ऑल नो दिस। सिमिलरली 1/19 इज इक्वल टू, इफ यू कैलकुलेट देन इट विल बी 1/18 × 100, 1/18 × 100, सो ये 5 × 18 = 90, कैरी रहेगा, रिमाइंडर रहेगा 10, तो ये 5 10/15 यानी 5 10/18 यानी 5 5/9%। तो देखिए 1/17, सो इफ यू कन्वर्ट दिस इंटू परसेंटेज, तो 1/17 × 100, सो बेसिकली 100/17, तो 5 × 17 = 85, रिमाइंडर रहेगा 15, तो 5 15/17%। 1/18 को अगर हम 100 से इंटू करते हैं तो 100/18, तो 5 × 18 = 90, रिमाइंडर रहेगा 10, तो 5 10/18%। तो इसको अगर हम लोग कैंसिलेशन करते हैं तो 5 5/9%, इसको हम लोग 5.55% भी लिख सकते हैं। तो 1/17 इज इक्वल टू 5 15/17%, 1/18 इज इक्वल टू 5 5/9%। ये 5 5/9% को हम लोग
5.55% भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.88% लगभग अप्रॉक्सीमेटली। नाउ कमिंग टू 1/19, सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस 1/19 इनटू परसेंटेज, तो 1/19 इनटू 100, सो 5 × 19 इज इक्वल टू 95, योर रिमाइंडर विल बी 5, सो 5/19%। इफ यू डिवाइड इट यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 5.2, इफ यू डिवाइड 50/19 इंटू 238 रिमाइंडर विल बी 12, सो इट विल बी 120, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5.26%। सो 1/19 इज इक्वल टू 5/19%, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 5.26% अप्रॉक्सीमेटली। सो दीज आर सम फंडामेंटल फ्रैक्शंस एंड दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस। तो इसको आपको याद रखना है, और याद कैसे रखिएगा, इसको अगर आप 2-3 बार खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और ये सब जो परसेंटेज आज हम लोग इधर डिस्कस किए हैं, तो आने वाला दिन में एरिथमेटिक का सभी चैप्टर में इसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छा से आप ध्यान से पढ़िए, और इसको बार बार करके लिख के प्रैक्टिस करके इसको एकदम आप दिमाग में बैठाइए। आइए दूसरा स्लाइड पे। नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है दैट इज 1/21, तो 1/21 को अगर हम परसेंटेज में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, तो 1/21 × 100, तो 100/21, 4 × 21 कितना होता है, 84 होता है, रिमाइंडर क्या रहता है 16, तो 4 16/21%। जहाँ तक 1/21 का सवाल है, वी कैन राइट इट 4 16/21%। नेक्स्ट कम टू 1/22, सो 1/22 × 100 अगर हम लोग करते हैं तो 4 × 22 = 88, रिमाइंडर रहता है 12, तो 4 12/22, इफ यू कैंसिल इट देन इट विल बी 4 6/11%। तो जहाँ तक 1/22 है, सो वी कैन राइट इट 4 6/11%। नाउ कम टू 1/23, now 1/23 × 100, so 4 × 23 = 92, remainder 8, तो 4 8/23%। तो जहाँ तक 1/23 का सवाल है, ये होता है 4 8/23%। now come to 1/24, so 1/24 को अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो 1/24 × 100, तो 4 × 24 = 96, रिमाइंडर रहता है 4, तो 4 4/24 यानी 4 1/6%। तो 1/24 इज इक्वल टू वी कैन से 4 1/6%। नाउ कम टू 1/25, एज यू नो विच इज 4%, 1/26 × 100, तो 1/26 × 100 क्या होता है, 3 × 26 होता है 78, रिमाइंडर रहता है 22, तो 3 22/26 अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 3 11/13%, सो इट शुड बी 3 11/13%। नेक्स्ट कम टू 1/27, तो 1/27 × 100, सो 3 × 27 that will be 81, remainder 19, so 3 19/27%, 3 19/27%. 1/28 × 100, so 3 × 28 = 84, remainder 16, so 16/28, so it should be 3 4/7%. So 1/28 3 × 28, as you know it is 84, so remainder will be 16, so 3 16/28, if you divide it by 4, so 4 4 = 16 4 7 = 28, so it is 3 4/7%, 3 4/7%. Now come to 1/29 1/29 × 100, 3 × 29, as you know it is 87, your remainder will be 13, so 3
13 by 29 percentage. So it should be 313 by 29 percentage. And the last one, which is 1 by 30. So 1 by 30 into 100. तो आप अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 10 बटा 3 होगा यानी 3 1 बाई 3 परसेंटेज इट शुड बी 3 1 बाई 3 परसेंटेज वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 3.33 परसेंटेज। तो ये कुछ फंडामेंटल फ्रैक्शन है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज हम लोग लिखे हैं, आप इसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉम्पाउंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे फंडामेंटल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फंडामेंटल फ्रैक्शन मतलब जब वन बाई यानी ऊपर में वन होगा और नीचे कुछ दूसरा नंबर कुछ दूसरा डिजिट होगा, जैसे 1/3 1/4 1/5 1/6 दीज आर ऑल फंडामेंटल फ्रैक्शंस। लेकिन जब फंडामेंटल फ्रैक्शन के साथ कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या बन जाता है ना, वो कंपाउंड फ्रैक्शन बन जाता है, जैसे कि 2/3 5/6 2/7। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में कंपाउंड फ्रैक्शन से जो परसेंटेज बनता है उसका यूज़ करके क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर आप देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन मिलेगा, आपको पार्टनरशिप में क्वेश्चन मिलेगा, आपको CISI तो मिलेगा ही, आपको टाइम एंड वर्क में भी मिल सकता है, आपको मिक्सचर एलिगेशन में मिलेगा। तो बहुत सारा चैप्टर्स जो है अरिथमेटिक में जिसमें आपका इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर हम लोग सही से देखें तो ये परसेंटेज जो है पूरा अरिथमेटिक का जान है, इसके अंदर पूरा अरिथमेटिक है। तो अगर परसेंटेज आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जिसका परसेंटेज 100% क्लियर होगा तो उसका अरिथमेटिक भी क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। तो आइए कंपाउंड फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोग का बेसिक जो फॉर्मूला है कोई भी फ्रैक्शन जिसको परसेंटेज में लेकर जाना है तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन के साथ 100 इंटू करके क्या मिलता है ना, परसेंटेज मिलता है। तो इधर भी हम लोग वही चीज़ नॉर्मली करेंगे, लेकिन देखिए जहाँ तक 2/3 का सवाल है इसको हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3 2 × 1/3। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1/3 जहाँ तक है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 33 1/3 परसेंटेज। हम लोग इसके पहला वाला स्लाइड में देखे हैं 1/3 = 33 1/3 परसेंटेज। अब देखिए हम कोई एक कैलकुलेशन को डिटेल्स में बता रहे हैं और आगे से हम लोग जो है इसको शॉर्ट में करेंगे। तो इसको देखिए 2 × जहाँ तक 33 1/3 का सवाल है इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 + 1/3 परसेंटेज। अब जैसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 33 होता है 66 प्लस 2 × 1/3 होता है 2/3। ये 2 के साथ एक बार 33 × होगा और एक बार 2 के साथ 1/3 × होगा। तो ये अल्टीमेटली क्या मिलता है, अंतिम में मिलता है 66 2/3 66 2/3 परसेंटेज। तो जहाँ तक 2/3 का सवाल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज है 66 2/3 परसेंटेज। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 66.66 परसेंटेज। ये 2/3 2 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.66 आएगा। इसको हम लोग और एक तरीके से याद रख सकते हैं, हम लोग जानते हैं 1/3 = 33 1/3 परसेंटेज। अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो ये आता है 33.33 परसेंटेज। तो अगर हम 2/3 लिखते हैं तो बेसिकली ये आएगा 2 × 33.33 परसेंटेज। इफ़ वी मल्टीप्लाई इट देन वी विल हैव 66.66 परसेंटेज। अब आइए 5/6 5/6। अब 5/6 में देखिए 5/6 का मतलब होता है 5 × 1/6 और आप लोग जानते हैं 1/6 का मतलब होता है 16 2/3 परसेंटेज। अब देखिए 5 के साथ पहले 16 अगर इंटू होता है तो 5 × 16 = 80 प्लस 5 के साथ जैसे ही 2/3 इंटू होता है तो 5 × 2 = 10/3। तो अंतिम में क्या मिलता है ये 80। अब 10/3 मतलब होता है 3 1/3 परसेंटेज। 10/3 3 × 9 कैरी रहेगा 1 3 1/3। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 80 के साथ अगर हम 3 को इंटू करते हैं क्योंकि 3 1/3 को हम लोग लिख सकते 3 + 1/3 तो इंटीजर के साथ इंटीजर है ऐड होगा तो ये 80 + 3 हो जाता है 83 और साथ में रहता है 1/3। तो बेसिकली ये 83 1/3 परसेंटेज। सो 5/6 का मतलब होता है 83 1/3 परसेंटेज और जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 83.33 परसेंटेज।
जिसका हम लोग लिख सकते हैं 83.33%। अब आइए 2/7। अब 2/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2/7 मतलब 2 × 1/7। नाउ 1/7 इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 14.2%। नाउ 2 × 14 इज इक्वल टू होता है 28 प्लस 2 × 2/7 इज इक्वल टू होता है 4/7। तो बेसिकली ये 28 4/7%। तो 2/7 का मतलब होता है 28 4/7%। नाउ कम टू दिस इज 4/7। सो 4/7 इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए तो ये 4/7 का मतलब होता है 4 × 1/7। तो ये 4 × 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। अब देखिए 4 × 14, 4 × 14 इज इक्वल टू होता है 56 प्लस 4 × 2/7 यानी होता है 8/7। तो ये अल्टीमेटली क्या आता है, 56 प्लस 8 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 1/7, तो 56 प्लस 1 होता है 57। तो ये 57 1/7%, ये 57 1/7% जो है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1/7 मतलब आप लोग जानते हैं 0.14, तो आप इसको 57.14 भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 28 4/7 था 2/7 में, इसको भी आप चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हो, तो ये 28 अगर आप पॉइंट देकर 0 लाइएगा तो 40 होगा, तो 5 × 7 = 35, तो फिर से आपका आएगा 5, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते 7 × 7 = 49 यानी 28.57 लगभग। अब आइए नेक्स्ट 3/8 पे, इसको हम मिटाते हैं। तो अभी तक जो भी हम लोग इधर सीखे हैं, तो पहले जो हम लोग सीखे थे कि फंडामेंटल फ्रैक्शन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज। अब फंडामेंटल फ्रैक्शन जिसका क्लियर है तो वो डेफिनेटली कॉम्पाउंड फ्रैक्शन कर पाएंगे। तो कॉम्पाउंड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्पाउंड फ्रैक्शन मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन के साथ कुछ चीज़ अगर हम इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुण करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 1/6 1/6, तो ये होता है फंडामेंटल फ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही हम उसके साथ कुछ दूसरा चीज़ मल्टीप्लाई किए, जैसे 5 मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया ना 5/6। तो ये 5/6 जो है ये हो गया हमारा कॉम्पाउंड फ्रैक्शन। अब ये कॉम्पाउंड फ्रैक्शन का कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज कैसे हम लोग करेंगे, देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं 5/6 के साथ 100 यानी 100 इंटू करके 500/6 करके डिवाइड करते हैं, लेकिन वैसे अगर आप कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 1/6 इक्वल टू होता है 16 2/3%। तो 5/6 मतलब ये 16 2/3 के साथ हम लोग क्या इंटू करेंगे, 5 इंटू करेंगे। और जैसे हम लोग 5 इंटू करते तो इंटू करने के टाइम आप याद रखिएगा इंटीजर के साथ इंटीजर इंटू होगा। जैसे 16 2/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 + 2/3। अब जैसे ही इसके साथ हम 5 इंटू करेंगे तो पहले 5 × 16 होता है 80, उसके बाद होता है 5 × 2/3 यानी 10/3। अब 10/3 इज इक्वल टू होता है 3 1/3%। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉम्पाउंड फ्रैक्शन है वो होता है 3/8। तो ये 3/8 को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये होता है 3 × 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई, अगर हम गुण करते हैं तो 3 × 12 होता है 36 प्लस 3 × 1/2, 3 × 1/2 होता है 3/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 36, अब 3/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 1/2। अब इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड होता है तो 36 प्लस 1 37 और 7.5, यानी इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 3/8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 37.5%, एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 37.5%। नाउ कम टू 5/8। तो देखिए 5/8, तो ये 5 × 1/8। अब 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 × 12 = 60 और 5 × 0.5 दैट इज 2.5, तो ये क्या होता है 62.5%। तो जहाँ तक 5/8 का सवाल है तो ये होता है 62.5%, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 62.5%। अब अगर इसको तोड़ के करना चाहते तो भी आप कर सकते हो, तो आपका सेम आएगा। नेक्स्ट आइए 7/8, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7/8, सो वी कैन से 7 × 1/8,
वन बाई एट का मतलब होता है 12.5%। तो 7 × 12 होता है 84, 7 × 0.5 होता है 3.5, तो बेसिकली ये होता है 87.5%। तो जहाँ तक 87.5% का सवाल है, इधर होता है 7/8 का सवाल है, तो 7/8 इज इक्वल टू 87.12% एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 87.5%। नाउ कम टू 4/9। सो 4/9 इज इक्वल टू हाउ मच? तो 4/9 का मतलब होता है 4 × 1/9, तो 1/9 इज इक्वल टू होता है 11.19%। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुण करते हैं, तो 4 × 11 होता है 44, प्लस 4 × 1/9 क्या होता है? 4/9। तो बेसिकली ये 44.49% होता है। तो जहाँ तक 4/9 का सवाल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है वो होता है 44.49। और कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे भी देता है 44.44%। तो बात एक ही है, 44.44% का मतलब होता है आपका 4/9, 44.44, क्योंकि अगर आप 4 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.44 आएगा। अब आइए 5/12। अब 5/12 कैसे होगा? 5/12। जैसे कि आप देखिए, तो 5 × 1/12 का मतलब होता है 8.13%, 8.13%। अब 5 × 8 कितना होता है? 40 होता है, प्लस 5 × 1/3 क्या होता है? 5/3। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है? 40 प्लस ये 3 × 1 = 3, 2/3। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है? 41.2/3%, 41.2/3%। सो इन द प्लेस ऑफ 5/12 वी कैन राइट दैट इट इज़ 41.2/3%। और ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग जानते हैं कि 1/12 का परसेंटेज क्या होता है? 1/12 के साथ अगर आप 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये 8/96 यानी 96 डिविडेंड रहेगा आपका 4। तो ये 8 × 4/12 यानी 8 × 1/3 यानी 8.13% होता है। तो 8.13 के साथ अगर आप 5 × कीजिएगा तो ये होता है 41.2/3%। नेक्स्ट कम टू 8/15। तो 8/15, सो वी नो दैट 1/15 इज इक्वल टू 6.2/3%। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 6 होता है 48 यानी 48%, प्लस 8 × 2/3 यानी होता है 16/3। तो ये 48 प्लस 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 5 = 15, कैरी कितना? 1। तो 5.1/3%। तो 48 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है 53। तो ये होता है 53.1/3%। दोबारा देखिए 8/15, तो 8/15, तो 8 × 1/15, 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%। तो 6 × 8 होता है 48 और 8 × 2 = 16, 16/3। तो 16 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 × 5 = 15, कैरी 1, तो 5.1/3 होगा। नाउ इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड हो जाएगा, तो ये 48 + 5 इज इक्वल टू 53, तो 53 1/3। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ 8/15 इज इक्वल टू 53.1/3%। तो 53.1/3% को हम लोग लिख सकते हैं कि 53.33%। अब नेक्स्ट देखिए 5/16। हम ऊपर से थोड़ा मिटा रहे हैं। देखिए 5/16 आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, और विदाउट टचिंग योर पेन आप कोशिश करो इसको माइंड पे करने के लिए, मन पे करने के लिए। देखिए नेक्स्ट जो है वो है 5/16। तो 5/16 का मतलब होता है 5 × 1/16। तो 5 × 1/16 का मतलब क्या होता है?
1 बाई 16 का मतलब होता है 6, 1 बाई 4 परसेंटेज। अब जैसे कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 6 होता है 30, प्लस 5 इंटू 1 बटा 4 होता है 5 बाई 4। तो ये 30, 5 बाई 4 का मतलब होता है 1 बाई 4 परसेंटेज। तो 30 प्लस 1 31, तो 31 1 बटा 4 परसेंटेज। सो जहाँ तक 5 बाई 16 का सवाल है तो वी कैन से इट इज़ 31 1 बाई 4 परसेंटेज। एंड 31 1 बाई 4 बाई परसेंटेज इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 31.25 परसेंटेज। तो नेक्स्ट देखिए 5 बाई 18। तो 5 बाई 18 को हम लोग क्या करते हैं, तो ये 5 बाई 18 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 बाई 18। तो 1 बाई 18 का मतलब होता है 5 बाई 9 परसेंटेज। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 यानी 25, प्लस 5 इंटू 5 बटा 9 यानी 5 पचे 25 बटा 9। तो ये 25 प्लस 25 बटा 9, 9 दुगुने 18, रिमाइंडर 7, तो 2 7 बटा 9, तो 25 और 2 27, तो 27 2 7 बटा 9 परसेंटेज। तो जहाँ तक ये 5 बाई 18 का सवाल है, तो 5 बाई 18 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बाई 18 की जगह हम लोग लिखेंगे 27 7 बाई 9 परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए 5 बाई 29। अब इधर जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर सम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर ऊपर में बड़ा होता है नीचे से, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मोर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रकृत भग्नांश जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये 29 बाई 5 है, तो 29 बाई 5 को पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 पचे 25 प्लस 4 बाई 5। नाउ वी नो दैट 5 इज इक्वल टू 500 परसेंटेज। 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 500 परसेंटेज होता है, प्लस 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 इंटू 100, तो ये क्या हो जाता है, 80 परसेंटेज होता है। तो इफ़ वी एड देम सो इट विल बी 580 परसेंटेज। तो ये 29 बाई 5 जो है दैट कैन बी रिटन एज 580 परसेंटेज। नाउ कमिंग टू 37 बाई 8, फर्स्ट यू डिवाइड इट, 4 इंटू 8 32, रिमाइंडर 5, तो 4 प्लस 5 बाई 8। अब देखिए हम लोग जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। तो अगर आप वास्तव में देखें तो 4 भी एक फ्रैक्शन है जिसका मतलब होता है 4 बाई 1। तो 4 को अगर हम 100 से इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाता है ना, 400 परसेंटेज। और 5 बाई 8 तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसके पहले हम लोग देखे थे 5 बाई 8 इज इक्वल टू 62.5 परसेंटेज। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये 462.5 परसेंटेज होता है। तो जहाँ तक 37 बाई 8 का बात है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज जो होता है 462.5 परसेंटेज, और वी कैन ऑल्सो राइट इट 462.5 परसेंटेज। तो ये था कुछ कॉम्पाउंड फ्रैक्शन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और यही आपका एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा। चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करो, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करो,
आपका परसेंटेज प्रॉफिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, ये परसेंटेज में दिया रहेगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है वो आपको लिखना है। तो इसीलिए जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक चीज़ हम बता देते हैं पहले से ही कि जो फंडामेंटल फ्रैक्शन है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं 1/6 मतलब होता है 16, 2/3 परसेंटेज व्हिच इज 16.66%। आप लोग जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू 14, 2/7 परसेंटेज व्हिच इज 14.28 परसेंटेज। तो ये फंडामेंटल फ्रैक्शन तो आपको याद रखना है, लेकिन आपका जहाँ तक ये सीखना है इसका प्रोसेस वो कंपाउंड फ्रैक्शन में, क्योंकि फंडामेंटल फ्रैक्शन तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि रहेगा 6.25 परसेंटेज, तो 6.25 परसेंटेज का मतलब होता है 6 1/4 परसेंटेज, और 6 1/4 का मतलब ही होता है 1/16 यानी 1/16। अगर रहेगा 6 2/3 परसेंटेज यानी 6.66 परसेंटेज, तो आप लोग ये जानते हैं कि 6 2/3 परसेंटेज इज इक्वल टू 1/15 होता है। तो जहाँ तक 6 2/3 परसेंटेज या 6.66 परसेंटेज रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/15। तो जो आपका फंडामेंटल फ्रैक्शन है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये आपको सीखना है। देखिए इसके लिए आपको फंडामेंटल फ्रैक्शन का जो लिस्ट है वो याद रखना पड़ेगा। तो फंडामेंटल फ्रैक्शन का लिस्ट आई होप आपको याद है। तो आपकी जानकारी के लिए हम इधर साइड में इसको लिख रहे हैं, जैसे 1/3 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 33 1/3 परसेंटेज, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/4 इज इक्वल टू 25% आप जानते हैं, तो 1/6 इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं कि 6 2/3 परसेंटेज, 1/7 इज इक्वल टू आप जानते हैं 14 2/7 परसेंटेज, 1/6 इक्वल टू 16 2/3, 1/7 14 2/7 परसेंटेज, 1/8 इज इक्वल टू आप जानते हैं 12 1/2 परसेंटेज, 1/9 इज इक्वल टू आप जानते हैं 11 1/9 परसेंटेज, 1/11 इज इक्वल टू आप जानते हैं 9 1/11 परसेंटेज, 1/12 इज इक्वल टू आप जानते हैं 8 1/3 परसेंटेज, 1/13 इज इक्वल टू आप जानते हैं 7 9/13 परसेंटेज, 1/14 इज इक्वल टू आप जानते हैं 7 1/7 परसेंटेज, 1/15 इज इक्वल टू आप जानते हैं 6 2/3 परसेंटेज, 1/16 इज इक्वल टू आप जानते हैं 6 1/4 परसेंटेज, 1/17 इज इक्वल टू आप जानते हैं 5 15/17 परसेंटेज, 1/18 इज इक्वल टू आप जानते हैं 5 5/9 परसेंटेज, और 1/19 इज इक्वल टू आप जानते हैं 5 5/19 परसेंटेज। ये पहले स्लाइड में हम लोग देखे हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम इधर साइड में इसको लिख कर रखे हैं। अब देखिए पहले आते हैं 66 2/3 परसेंटेज, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होगा। सो बेसिकली इट इज़ अ रिवर्स कैलकुलेशन। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड कैलकुलेशन वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड फ्रैक्शन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज, बट हेयर वी हैव टू गेट बैक द फ्रैक्शन फ्रॉम द परसेंटेज। सो बेसिकली इट इज़ अ रिवर्स कैलकुलेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको देखना है कि ये जो 66 2/3 परसेंटेज है इसके नीचे क्या है, 3 है। अब ये जो फंडामेंटल फ्रैक्शन का हम लोग चार्ट लिखे हैं इसमें देखिए नीचे तीन कौन कौन फ्रैक्शन का है, ये 1/3 का नीचे 3 है, 1/6 का नीचे 3 है, देखिए 1/12 का नीचे 3 है 8 1/3 परसेंटेज, और 1/15 का नीचे देखिए 3 है 6 2/3 परसेंटेज। मतलब ये चारों में से ही कोई ना कोई होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमको देखना है कि ये 66 है, तो जैसे ही हम 66 देखे हैं तो ये एकदम बिल्कुल पता चल जाता है कि ये 33 दुगुन कितना होता है, 66 होता है। मतलब ये अगर हम इसको 2/3 करते हैं तो 2/3 मतलब 2 × 33 1/3 करते हैं तो ये 2 × 33 66 और 2 × 1/3 विच इज 66 2/3 परसेंटेज। तो ये 66 2/3 परसेंटेज जिसको हम लोग 66.66 परसेंटेज लिख सकते हैं, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 होता है। अब मान लीजिए दूसरा कुछ है जो 33 का मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, तो तब आपको दूसरा चीज़ से यानी 1/6 से ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग देखेंगे बाद में।
अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 44 फोर बाई नाइन परसेंटेज। देखिए जैसे ही आप इधर देखे हैं कि नीचे 9 है, तो नीचे 9 किस में आता है, आप लोग जानते हैं कि ये 1 बाई 9 जो है इसका मतलब होता है 11, 1 बाई 9 परसेंटेज, इसके नीचे 9 है। कौन सा 9? ये वाला 9 जो परसेंटेज का जो नीचे फ्रैक्शन है उसमें। और देखिए 1 बाई 18 जो है इसका नीचे आपका 1 बाई 18 जो है इसका नीचे आपका 9 है। तो पहले हम लोग 1 बाई 9 से देखेंगे, अगर नहीं होगा तो 1 बाई 18 पे जाएंगे। तो देखिए 1 बाई 9 जो है वो 11 1 बाई 9 परसेंटेज। तो अगर हम इसको 4 से इंटू करते हैं, तो अगर हम इसको 4 इंटू 11 1 बाई 9 परसेंटेज करते हैं तो 4 इंटू 11 44 और 4 इंटू 1/9 यानी क्या हो जाएगा 4 बाई 9। तो ये 44 4 बाई 9 परसेंटेज, तो 44 4 बाई 9 परसेंटेज विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4 बाई 9, क्योंकि 1 बाई 9 मतलब 11 1 बाई 9 परसेंटेज, तो 4 बाई 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई 9, तो 44 1 बाई 9 परसेंटेज। अब आइए 83 1 बाई 3 परसेंटेज। तो देखिए नीचे 3 है, तो नीचे 3 है तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे 1 बाई 3, नहीं तो 1 बाई 6, नहीं तो 1 बाई 12, नहीं तो 1 बाई 15। तो 1 बाई 3 में तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये 33 का मल्टीपल और उसका आसपास में होना चाहिए। 33 दुगुने 66 होता है, 33 इंटू 3 99, तो ये 83 का आसपास में नहीं जाता है। तो आते हैं 1 बाई 6 में। तो 1 बाई 6 में देखिए नीचे 3 है और इधर क्या है मेरा 16 है, और क्वेश्चन में इधर क्या है 83 है। तो 16 को 83 में लाने के लिए हम लोग जानते हैं मिनिमम 5 से इंटू करना पड़ता है। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 5 इंटू 16 2 बाई 3 परसेंटेज। अगर 5 हम लोग इंटू करते हैं तो 5 इंटू 16 कितना होता है, 80 होता है, और 5 इंटू 2/3 क्या होता है, 10/3। तो ये 80 और 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 1/3। तो इफ़ आई एट सो इट विल बी 83 1/3 परसेंटेज। तो 83 1/3 परसेंटेज जो है इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5/6। तो इस तरीके से 57 1/7 परसेंटेज। अब देखिए नीचे 7 किसका आता है, नीचे 7 आता है 1/7 का और आता है 1/14 का। तो पहले हम लोग 1/7 से देखेंगे और उसके बाद 1/14 से देखेंगे। तो नीचे मतलब कौन सा 7 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इधर जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला 7। अब देखिए 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7 परसेंटेज। तो अगर ये 14 2/7 परसेंटेज है, अब हमको लेकर जाना है कहाँ तक, हमको लेकर जाना है 14 को 57 तक। तो हम लोग जानते हैं मिनिमम किस से इंटू करना पड़ेगा, 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर हम 4/7 करते हैं यानी 4 इंटू 14 2/7 करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 4 इंटू 14 क्या होता है, 4 इंटू 14 होता है 56 परसेंटेज, प्लस 4 इंटू 2/7 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 दुगुने 8/7। तो बेसिकली ये 56 प्लस 8/7 मतलब 1 1/7। तो 56 के साथ अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है 57। तो ये 57 1/7 परसेंटेज। तो 57 1/7 परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है तो ये आता है बेसिकली 4 इंटू 1/7 यानी क्या होता है, ये आता है 4/7। अब देखिए 37 1/2, नीचे क्या है, नीचे 2 है। देखिए नीचे 2 केवल 1/8 का ही आता है और किसी का नहीं आता है, तो डेफिनेटली ये 1/8 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो 1/8 मतलब जहाँ तक आप देख रहे हैं कि 12.5 मतलब 12.5। तो 12.5 को अगर आप 5 से इंटू कीजिए, 3 से इंटू कीजिएगा तो आपका 37.5 यानी 37.5 आएगा। तो ये 37.5 परसेंटेज इज इक्वल टू 3 इंटू 12.5 यानी ये क्या हो जाएगा, ये 3/8 होगा। एंड ड्यू टू सेम रीज़न ये 12.5 इंटू 5 कीजिएगा तो 62.5 परसेंटेज आएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 5/8। अब आइए 31 1/4। अब देखिए नीचे 4 आता है किसका, तो नीचे 4 आपका आता है केवल 1/16 में। तो 1/16 में अगर आप देखिएगा तो नीचे 4 आता है। अब देखिए इधर हम लोगों का जो इंटीजर है इसमें 6 है और इधर जो इंटीजर है इसमें क्या है, 31 है। अब 6 को हम लोग कैसे 31 पे लेकर जाएंगे, मिनिमम 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 के साथ इंटू करते हैं 6 1/4 को तो देखिए ये क्या होता है। तो 5 इंटू 6 क्या होता है, 30 होता है, और 5 इंटू 1/4 क्या होता है, 5/4 परसेंटेज। अब देखिए ये 30 है और 5/4 मतलब क्या होता है, 5/4 मतलब होता है 1 1/4।
तो अल्टीमेटली इंटीजर के साथ जब इंटीजर ऐड होता है तो 30+1 31 1/4%। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, 5 × 1/16, तो ये क्या हो जाएगा ना, 5/16 हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू 58 1/3%। अब देखिए 58 1/3 नीचे क्या है, नीचे 3 है। अब देखिए नीचे 3 किसका है, ये 33 का मल्टीपल में तो होगा नहीं 1/3 में, क्योंकि 33 × 2 = 66 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 16 में अगर हम करते हैं तो 3 × 16 = 48 4 × 16 = 64, यानी इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू योर 1/12, जिसके नीचे आपका 3 है, तो 8 के साथ कितना इंटू करेंगे तो आपका 58 के आसपास में आएगा, क्योंकि देखिए 1/12 में 8 1/3 है, मतलब मेरा जो इंटीजर पार्ट है इसका फ्रैक्शन का, तो इंटीजर पार्ट जो है इसमें 8 है, और इधर जो इंटीजर पार्ट है इसमें 58 है। तो 8 के साथ मिनिमम कितना इंटू करने से आपका 58 का आसपास में जाता है, तो अगर हम 7 इंटू करते हैं तो 7 इंटू करने से देखते हैं 7 × 8 = 56, यानी 56 होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो अगर हम 7 × 8 1/3 करते हैं परसेंटेज, तो बेसिकली 7 × 8 कितना होता है, 56 होता है, प्लस ये 7/3। अब देखिए ये 56 है, अब 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 और 1 × 2 = 1/3। अगर हम ऐड करते हैं तो इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड होता है, तो ये क्या होता है ना, 58 1/3%। तो देखिए 58 1/3% इज इक्वल टू क्या आया, 7 × 8 1/3%। तो 8 1/3% इज इक्वल टू क्या आता है, 8 1/3% इज इक्वल टू 1/12 आता है। तो 7 × 1/12 बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा 7/12। अब ऊपर से हम 1-2 मिटाते हैं, इधर हम कैलकुलेशन करेंगे। जिसको नोट करना है इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगला देखिए, अगला जो है आप लोग थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। देखिए नेक्स्ट जो है 87 1/2%। तो जहाँ तक 1/2 का सवाल है, 1/2 मतलब नीचे 2 है, तो नीचे 2 किसका आता है, आप लोग जानते हैं नीचे 2 जो है वो आता है 1/8 का। तो 1/8 इज इक्वल टू होता है 12.5%। हमको जाना है 87.5, तो 12.5 के साथ अगर हम 7 इंटू करते हैं तो मेरा 87.5 आ जाता है। तो बेसिकली इसका वैल्यू होगा 7/8। अब देखिए 55 5/9%। अब देखिए जैसे भी आप देखिएगा ना कि 11 का मल्टीपल जैसे 33 देन 44 55, तो आपका ये ध्यान में आना चाहिए कि 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9%। तो जैसे हम लोग 5/9 करेंगे तो 5 × 11 कितना होता है, 55, और ये 5 × 1/9 क्या होता है, 5/9। यानी हम लोग लिख सकते हैं ये 55 5/9% की जगह लिख सकते हैं 5/9। अगर कैलकुलेशन आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए हम दिखाते हैं। तो 5 × 1/9, 1/9 इज इक्वल टू क्या होता है, 11 1/9%। तो 5 × 11 कितना होता है, ये 55 होता है, और 5 × 1/9 क्या होता है, ये 5/9। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, 55 5/9%। अब देखिए जो मोर देन 100 है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी तक जो हम लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन में रिवर्स कैलकुलेशन सीखे हैं, अगर वो आपको समझ में आया तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए पहला जो है वो 462 1/2%। देखिए 462 1/2%, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं नियरेस्ट 100 का मल्टीपल में, तो ये 400% और साथ में 62 1/2%। जैसे कि आप लोग जानते हैं 400% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 4। कैसे, परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में लेकर जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 400 by 100 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4 और 62 1/2% इज इक्वल टू, देखिए चार्ट में हम लोग अभी लिखे हैं कि 5/8। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते 4 8 32 32 + 37, तो ये क्या हो जाएगा ना, 37/8।
तो ये 462.5 का मतलब होता है 37/8, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। अब देखिए 337.5, अब 337.5 परसेंटेज जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 337.5 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 300% प्लस 37.5%। 300% का मतलब होता है 3, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, और 37.5 का आप लोग जानते हैं अभी हम लोग कुछ देर पहले किए हैं 3/8, तो अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, 3 + 24, 24 + 3 कितना 27, तो ये क्या होता है 27/8, सो वी कैन से इट इज़ 27/8। नाउ इट इज़ 483.5/6, दैट इज़ 483.33%। सो इफ वी से 483.33%, we can write it like 400% plus 83.33%. Now 400% is equal to 4, as you all know, and what about 83.33%? We know that 83.33% is equal to 5/6, we just have done this. So it is 4 × 6 = 24, 24 + 5 = 29, so it is 29/6. तो ये 483.5/6 दैट इज 483.33%, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि 29/6। नेक्स्ट देखिए 357.1/7%, तो देखिए इसको हम लोग अगर स्प्लिट करते हैं तो ये 357.1/7% इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये 300% प्लस 57.1/7%। तो 300% इज इक्वल टू 3 और 57.1/7, 57x/7, इसका मतलब क्या होता है, 57.1/7% इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं ये होता है 4/7, तो 3 × 7 = 21, 21 + 4 = 25, तो ये 25/7, तो वी कैन से इट इज 25/7। तो ये था आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन का रिवर्स कैलकुलेशन। सो इन दिस पीडी, इन दिस slide, what we have seen how to convert various percentage, obviously compound percentage, how to convert various percentage to its corresponding fraction. So these fractions are basically compound fraction. अब आइए next slide पे। अब देखिए जो अभी तक हम लोग सीखे हैं उसको use करके कुछ calculation आपको करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि 34.28% ऑफ 105 इज इक्वल टू क्या होगा, 82.5% ऑफ 120 क्या होगा। तो अभी तक हम लोग जो जो चीज़ सीखे हैं उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज है जो आपका जो आप सीखे हैं उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस देगा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि आप लोग जो चीज़ अभी तक हम पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं। तो पहले आइए 34.28%, तो देखिए 34.28% को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए हम लोग जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू 14.28%, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू 14/2/7 यानी 14.28%। अगर हम इसके साथ 2 करते हैं तो 2/7 करते हैं, तो 2/7 इज इक्वल टू क्या होता है, 14 × 28 कितना होता है 56, लेकिन ये नहीं आएगा। देखिए ये 14 × 28 28.56 आ रहा है, मतलब ये 2/7 नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 14.28%, लेकिन मेरा है क्या, मेरा है 34.28%। तो ये 34.28% जो है इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे 20% प्लस 14.28%, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये 20% का मतलब होता है 1/5, और 14.28 यानी 14.28% का मतलब होता है 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ 105 मतलब दिस इंटू 105, तो 105 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 21 होगा, और 1/7 × 105 कितना होता है 15, तो 21 और 15 कितना होता है 36, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 36। तो कभी कभी आप देखिएगा जो आपका परसेंटेज रहेगा इसको स्प्लिट करके भी हम लोगों को करना पड़ता है, जैसे ये 34.28% फर्स्ट वी नीड टू स्प्लिट इट,
इन द फॉर्म ऑफ 20% प्लस 14.28%। अब 20% की जगह लिखिए 1/5 और 14.28% की जगह लिखिए 1/7। अब उसके साथ आप 105 मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट आंसर 36। नाउ नेक्स्ट वन 82.5%। अब देखिए 82.5% इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए 0.5 मतलब नीचे क्या है, 0.5 मतलब नीचे है आपका 1/2। तो ये 82.5% को आप पहले स्प्लिट कीजिए, तो ये 82.5% को आप पहले स्प्लिट कीजिए। कैसे स्प्लिट कीजिएगा, 70% प्लस 12.5% ऐसे स्प्लिट कर लीजिए। अब देखिए 70% इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 70/100 यानी 7/10, और 1/8 इज इक्वल टू वी नो 12.5%। तो जहाँ तक 12.5% का सवाल है हम लोग लिखते हैं 1/8। अब देखिए इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कितना, 120, क्योंकि ये बोला है 82.5% ऑफ 120। अब देखिए जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 को 10 से काटिएगा तो 12, 7 × 12 कितना होता है 84। अब 120 को अगर आप 8 से काटिएगा तो 8 × 15 होता है 120। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये 82.5% ऑफ 120 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका आंसर होगा 99। अगर आपको इसको दोबारा समझना है तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए 56.66%, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। जहाँ तक 56.66% का सवाल है, हम लोग जानते हैं 6.66% दैट इज 6 × 2/3% इज इक्वल टू 1/15। तो जहाँ तक 56.66% का सवाल है, ये 56.66% को सबसे पहले आप स्प्लिट कर लीजिए 50% प्लस 6.66%। 50% मतलब होता है हाफ, आप जानते हैं, और 6.66% इज इक्वल टू होता है 1/15। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 19। अब देखिए 1/2 × 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 45। अब 1/15 × 90 क्या होता है, 6/15 यानी आपका 6। तो 45 प्लस 6 इक्वल टू क्या होता है, 51। तो इसके जगह आप लिख लीजिए क्या, ना 51। नेक्स्ट कमिंग टू 56.25% ऑफ 64। जैसे कि आप 56.66% को लिखे थे, इसको भी वैसे लिखना पड़ेगा। तो ये 56.25% को आप लिखिए पहले 50%, उसके बाद इसको आप लिखिए 6.25%। 50% का मतलब होता है हाफ, और 6.25 मतलब 6 1/4%, और ये 6 1/4% को हम लोग लिख सकते 1/16 इनटू आपको बाहर में 64 है। अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1/2 × 64 यानी होगा 32, अब 1/16 × 64 यानी होगा 4, यानी कितना होगा 36। तो इसका वैल्यू होता है आपका 36। नेक्स्ट कमिंग टू 21.11%। अब देखिए बाद में 11 देखकर आपका माइंड पे डेफिनेटली ये स्ट्राइक करेगा कि आपका 1/9 इज इक्वल टू क्या था, 11.11%। मतलब ये डेफिनेटली ये 1/9 के साथ इसका कुछ ताल्लुक है। तो ये 21.11% को हम इसको क्या करेंगे ना, इसमें से 11.11% को अलग कर देंगे। तो बेसिकली ये क्या होगा, 10% प्लस 11.11%। 10% का मतलब होता है 1/10, और 11.11% का वैल्यू होता है 1/9। तो 1/10 प्लस 1/9 इनटू क्या है, इनटू देखिए ये आपका 550। देखिए एक्चुअली ये 550 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये 450 होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि 550 होगा तो ये 9 से नहीं कटेगा, तो बेसिकली ये 450 होगा तो कट जाएगा। तो ये 450, अब देखिए 1/10 × 450 इज इक्वल टू क्या होगा, 45 होगा, और 1/9 × 450 क्या होगा, 50 होगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, 95। तो इसका आंसर जो है वो 95 है। नेक्स्ट देखिए 54.16% ऑफ 72। देखिए जैसे 4.16% आप देखे हैं, तो आपका माइंड पे डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा क्या, 4.16% इज इक्वल टू क्या होता है। तो 0.16 का वैल्यू क्या होता है, 0.16 इक्वल टू 1/6 होता है, क्योंकि 1/6 मतलब 0.16। हम लोग जानते हैं 1/24 इज इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर हम
फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेकर जाते हैं तो 4 × 24 = 96 होता है, रिमाइंडर रहता है 4, तो 4 × 4 = 24 यानी 4 1/6%। तो 4 1/6%, 4 × 1/6%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.16%। तो देखिए ये जहाँ तक 1/6 का बात है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट देकर जीरो लाते हैं, तो 6 × 1 = 6, रिमाइंडर रहता है कितना 4, तो 6 × 6 = 36, तो 0.16। तो इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ये 54.16% जो है इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, पहले 50% लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4.16%। अब देखिए 50% मतलब होता है हाफ, और 4.16% जो है, तो ये 4.16% इज इक्वल टू होता है 1/24। अब देखिए ये 54.16% ऑफ 72, मतलब बाहर में क्या मल्टीप्लाई होगा, 72 मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 × 72 इज इक्वल टू क्या होता है, 36 होता है, और 1/24 × 72 क्या होता है, 3 × 24 = 72, यानी 36 + 3 कितना होता है, 39। अब नेक्स्ट देखिए 444.44% ऑफ 72। अब जैसे ही आप 44.44% देखे तो आपका तो ये डेफिनेटली ध्यान में आ रहा है कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे 4/9 = 44.44%। तो देखिए जहाँ तक ये 444.44% का सवाल है, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम 400% प्लस 44.44% स्प्लिट कर सकते हैं। अब 400% का मतलब होता है 4, और 44.44% का वैल्यू होता है 4/9। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 4 × 9 = 36, 36 + 4 कितना होता है, 40, तो ये क्या होता है ना, 40/9। तो 40/9 अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो 8 × 9 = 72, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 40, 4 × 8 = 32, 320। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 320। और इसके पहला क्वेश्चन का आंसर कितना था, पहला क्वेश्चन का आंसर था 39। अब देखिए जो आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, 116.66% जो आप लोग सभी जानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 116.66%। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 116.66% जो है, हम लोग जानते हैं 16.66% इसका वैल्यू क्या होता है, 16 2/3% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/6 होता है ना, तो 2/3% का वैल्यू क्या होता है, 2/3 मतलब 0.66। देखिए दोबारा बताते हैं, ये इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, 100% प्लस 16.66%, तो 100% का वैल्यू होता है 1, और 16.66% का वैल्यू होता है 1/6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/6 मतलब होता है 16 2/3% विच इज 16.66%, तो ये क्या हो जाता है, 1/6। अब आपको दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा तो 6 + 1 = 7, तो ये 7/6। नाउ इट मे बी मल्टीप्लाइड विद 66, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 77। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 77। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो भी कंपाउंड फ्रैक्शन का परसेंटेज है उसको हम लोग फिर से स्प्लिट करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें से हम लोग को क्या सीखने को मिला, आपको कभी कभी डायरेक्टली कंपाउंड फ्रैक्शन का परसेंटेज दे सकता है, जैसे आप देखिए 37.5%, 37.5% क्या होता है ना, 12.5% का 3 गुना यानी 3/8। और कभी कभी आपको कुछ चीज़ ऐड करके उसको कंपाउंड करता है, देखिए दो तरीके से कंपाउंड होता है, एक फंडामेंटल के साथ कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करके और दूसरा फंडामेंटल के साथ कुछ चीज़ ऐड करके। जैसे कि आप देख रहे हैं 56.66%, इसको हम लोग क्या किए थे ना, 50% प्लस 6.66%, तो 6.66% इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1/15 होता है, और 50% मतलब कितना होता है, हाफ। तो इस तरीके से इसको दूसरा किसी फ्रैक्शन के साथ कुछ चीज़ जुड़ के कंपाउंड किया जा सकता है। तो ये पूरा वीडियो को आप अच्छा से देखिए, अगर एक बार में नहीं होता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और पूरा चीज़ को समझ लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। और ये जो आज आप लोग सीखे हैं ये आपका जब तक
आप प्रिपरेशन लीजिएगा, एरिथमेटिक कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, तब तक आपका ये काम में आएगा। और जो जो क्वेश्चन लेकर आज हम लोग डिस्कस किए हैं, आप उसको कॉपी में, पेन पेपर में लिख लिख कर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज का पूरा कन्वर्शन रूल सीख लिए हैं। तो फिर से मिलेंगे दूसरा वीडियो में। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आ रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्प्लिट एंड मर्ज रूल। तो अगला वीडियो में हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज रूल के ऊपर देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।